रिसेंटली जो G20 मीटिंग हुई थी, उन G20 मीटिंग्स में एक बात हुई कि क्यों ना हम कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर कुछ प्रिंसिपल्स सामने रखें सारी कंट्रीज के। एक्चुअली पिछले 2 साल से अगर आप देखो, 2021 से 2023 के दौरान किस तरीके के कॉरपोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स होने चाहिए, इसका एक कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन ये G20 के अंडर नहीं हो रहा था, ये हो रहा था OECD के अंदर। तो OECD का जो काउंसिल है वो लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस कर ही रहे थे। तो अभी जैसे ही G20 मीटिंग हुई तो वहां पर बात हुई कि हम प्रिंसिपल्स रिवाइज करते हैं और स्पेसिफिकली बता देंगे कि कौन से प्रिंसिपल्स होंगे जो आज से कॉरपोरेट गवर्नेंस में हम फोकस करेंगे। सवाल है, कॉरपोरेट गवर्नेंस होता क्या है? हमने गुड गवर्नेंस सुना है, किसी गवर्नमेंट को रन करते वक्त हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, विच इज बेनिफिशियल फॉर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। तो इसी तरीके की मैकेनिज्म हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कॉरपोरेट सेक्टर में। जब हम कॉरपोरेट सेक्टर को देख रहे हैं, वहां पे सिटीजन्स नहीं है, वहां पे एम्प्लॉयज हैं, वहां पे स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वहां पर बाकी पार्टनरशिप जिन जिन भी कंपनीज के साथ आप करते हो वो कंपनीज इन्वॉल्व हैं और ओवरऑल सोसाइटी इन्वॉल्व है। तो ऐसे टाइम पर जो भी कॉरपोरेट रन हो रहा है उनके अंदर अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वहां पर डिसीजंस लिए जाएंगे, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो डिसीजंस लेंगे, उनके डिसीजंस कितने ट्रांसपेरेंट है, कहीं वो अपने अपने इंटरेस्ट में तो काम नहीं कर रहे हैं, इन सब चीजों को जब हम देखते हैं। साथ साथ हायरार्की बनी है कॉरपोरेट में, तो जो ऊपर है हायरार्की में वो नीचे वाले को किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं उसे हम कहते हैं कॉरपोरेट गवर्नेंस। सवाल है, कॉरपोरेट गवर्नेंस हमें क्यों चाहिए, क्यों इसे इंप्रूव करना है? एक चीज तो क्लियर है कि हर कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन रन करती है प्रॉफिट मोटिव से, पैसे कमाने हैं इसीलिए चल रहा है। बट इफ यू लुक एट एन ऑर्गेनाइजेशन, उनका प्रॉफिट डिपेंड करता है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी है, उनके जो भी ऑपरेशंस, जो भी काम होना है वो कितने एफिशिएंटली हो रहा है, और वो एफिशिएंटली होना इस पर डिपेंड करता है कि वहां पर डिसीजंस जो लेवल पर डेली जो डिसीजंस लिए जाते हैं लोकल लेवल पे, वो सही से लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं। तो आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी आपके डिसीजंस डिराइव करेंगे आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा, और आपका अगर ये परफॉर्मेंस ठीक है ऑपरेशनल, तो आपको इसका फायदा फाइनेंशियली होगा आपके प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में या फिर प्रोडक्ट के सेलिंग में, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करना है, बड़ा करना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब जब आप इन्वेस्टमेंट लेने के लिए इन्वेस्टर के पास जाते हो, इन्वेस्टर तो ये चेक करेगा कि भाई आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ फिक्स वैल्यू सेट से चलती है, कुछ प्रिंसिपल्स से रन होती है, तो एक ट्रस्ट बनता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन पे वो इन्वेस्टर भी ट्रस्ट करेगा, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जब आप कैपिटल मार्केट में जाते हो, आप कहीं से फाइनेंसिंग लेना चाहते हो, आप किसी बैंक के पास गए, किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास गए, वो भी तो चेक करेगा कि भाई आपकी क्रेडिबिलिटी क्या बनती है। तो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंशियल फायदा या फिर आपके एक्सपेंशन में जो आपका फायदा होने वाला है, उसमें स्पेसिफिकली कॉरपोरेट गवर्नेंस मेन रोल प्ले करता है। अगर किसी कॉरपोरेट में, किसी कंपनी में गवर्नेंस ठीक से नहीं होगा, वो फेलियर दिख रहा है आपको, कोई कुछ बोल रहा है, कोई उठ के कुछ और ही बोल रहा है, झगड़े चल रहे हैं, ऐसे टाइम पे उसकी क्रेडिबिलिटी कम होगी। क्रेडिबिलिटी जैसी कम होती है, मार्केट में जैसी न्यूज बन रही है, इसका उन्हें इकोनॉमिक लॉस भी होता है, मार्केट में उनके प्रोडक्ट को बिकने में इश्यूज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट इश्यूज दैट इवन कंज्यूमर्स विल हैव। तो ये बड़ा इंपैक्ट होगा। अगर कॉरपोरेट गवर्नेंस होगा तो वहां पर हम सोसाइटी के एलिमेंट को साथ में लेके चलते हैं। तो अगर मान लो कोई बिजनेस रन हो रहा है, उन्हें एक्सपैंड करना है, उन्हें कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो वो एक्चुअली सोसाइटी की नीड्स को ध्यान में रखेंगे कि सोसाइटी को किस चीज की जरूरत है, और उन नीड्स के अनुसार वो अपने न्यू प्रोडक्ट्स, नए इनोवेशंस लेके मार्केट में आएंगे, और इससे अगेन उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनके ऊपर जो ट्रस्ट है, वो सिटीजंस का या फिर कंज्यूमर्स का और डेवलप होगा, जो फाइनेंशियली उन्हें लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स देगा। और एक अच्छा वर्क कल्चर होने से जो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिस तरीके का एनवायरनमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, वो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा फायदा देता है उस बिजनेस को। और क्योंकि एक गवर्नमेंट का काम है कि बिजनेसेस के लिए अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे, ताकि इकोनॉमिकली पूरे गवर्नमेंट भी देखें कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ती है मार्केट में, तो पूरी तरीके से वहां के सिटीजन्स को भी फायदा होता है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ती है, इसलिए गवर्नमेंट भी इसके ऊपर फोकस कर रही है।
लेकिन हर जगह इश्यूज हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स निकल कर आते हैं। कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूं, पहला इशू निकल के आता है हमारे यहाँ कि हम मैनेजमेंट को और जो ओनरशिप है यानी जिसकी कंपनी है वही उसको मैनेज करे, ये बात सही नहीं होती। मैनेजमेंट के लिए आपके पास अलग लोग होने चाहिए जो इंडिपेंडेंट है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ बिजनेसेस फैमिली ओन्ड है तो फैमिली की ही मेंबर्स आपको बोर्ड ऑफ मेंबर्स में दिख जाएंगे, तो यहां पर इशू आ जाता है कि जो मैनेजमेंट है और ओनरशिप है वो मर्ज हो चुकी है, वही खुद डिसीजन ले रहे हैं। तो इसलिए यहां पर पहला इशू हो जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर। दूसरा, जो भी डायरेक्टर्स वहां पे अपॉइंट किए जा रहे हैं वो डायरेक्टर्स क्योंकि कई बार वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते, उनका अपना इंटरेस्ट वहां पर आ जाता है, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तीसरा है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं किसी कंपनी में, उन्हें खुद इसके बारे में कोई खास नॉलेज नहीं है कि भाई कहाँ पर कॉरपोरेट गवर्नेंस अच्छा है कहाँ नहीं है। अगर उन्हें इस बारे में नॉलेज होता या फिर उन्हें ये पता होता कि कॉरपोरेट गवर्नेंस का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली हम देखते कंपनीज कॉरपोरेट गवर्नेंस के ऊपर फोकस कर देते, तो वो नहीं हो रहा। चौथी चीज़, गवर्नमेंट का अगर आप रोल देखें, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कोई एजेंसीज जो काम कर रही है वो क्या करते हैं कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस पे, सभी कंपनीज पे कोई रूल नहीं बनाते, वो कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के लिए रूल बनाते हैं। जैसे कि सेबी ने एक रूल बनाया है कि आपको एनुअली एक रिपोर्ट पब्लिश करनी पड़ेगी, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट हर साल। लेकिन ये रूल किसके लिए बनाया? जो टॉप 1000 कंपनीज है हमारे यहाँ, लिस्टेड कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, सिर्फ उनको बोला है कि आप लोग ये काम करोगे, बाकी लोगों को नहीं बोला। अब जब बाकी लोगों पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा तो वो लोग क्यों कॉरपोरेट गवर्नेंस पे फोकस करेंगे? साथ साथ कई बार हम देखते हैं हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल क्राइम्स होते रहते हैं, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज सामने आती है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लास्ट टाइम 2018 में हमने देखा ILFS स्कैम हुआ था। ऐसे स्कैम्स क्लियरली दिखाते हैं कि भाई कॉरपोरेट गवर्नेंस लाना जरूरी है लेकिन वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता हमारे यहाँ। और क्योंकि बहुत सारी कंपनीज शॉर्ट टर्म गेन के बारे में सोचते हैं कि हमें अभी क्या फायदा होगा, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हो हमारे प्रोडक्ट की, हमारे सर्विसेज की या फिर हमारे बिजनेस की, इसके बारे में ये लोग ध्यान नहीं देते, इसलिए इनका कभी फोकस होता नहीं है गवर्नेंस स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर हम हमारे यहाँ किस तरीके का फ्रेमवर्क, जो लीगल फ्रेमवर्क हम कहें जो बना हुआ है कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए, उसके बारे में जानने की कोशिश करें, इंडिया में आप देखोगे पहले है कंपनीज एक्ट 2013 में जो आया था। ये कंपनीज एक्ट स्पेसिफिक प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस मेंशन करता है कि किस तरीके से आपको कुछ बोर्ड मीटिंग्स इंश्योर करनी पड़ेगी, उस बोर्ड मीटिंग्स में किसी तरीके की ऑडिटिंग मैकेनिज्म आपको इंश्योर करनी है तो ऑडिटिंग के लिए अलग मीटिंग बनेगी, ऑडिटिंग का एक काउंसिल बनेगा, साथ साथ जो भी ऑडिटिंग से इंफॉर्मेशन निकलेगी उसे आपको डिस्क्लोज भी करना होगा। तो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए कंपनीज एक्ट लीगल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। दूसरा, कुछ रेगुलेटर्स भी है, जैसे हमारा सेबी है, सेबी काफी फेमस है, बट सेबी कहाँ है? सिर्फ जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज है सेबी सिर्फ उन्हें रेगुलेट करता है, बाकी किसी को नहीं, तो वहां तक ही सेबी का अपना काम चल रहा है। तीसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इनका काम है जो भी डेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो CA होते हैं वो लोग कलेक्ट करते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन को, ऐसे फाइनेंशियल डेटा को डिस्क्लोज किया जाए, इसके बारे में काम करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। अब जो भी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो सेक्रेटरीज है, तो उनका कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए, ऐसा नहीं कि किसी भी तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो मेंटेन करने के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इनकी कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए, किस तरीके से इनका काम चलना चाहिए, उसके लिए क्या स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाए, वो सारी बातें ये ऑर्गेनाइजेशन करेगा। और लास्ट में हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जो हमने स्पेसिफिकली बनाई है कि कॉरपोरेट गवर्नेंस अच्छा हो, तो वो इसके रिलेटेड जो भी लीगल मैकेनिज्म्स है वो सामने लाती है। और लॉफुली सारी कंपनीज काम कर रहे हैं या नहीं, इसको रियल टाइम में मॉनिटर करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का है। अब कई बार क्योंकि हम एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए बेटर करने के लिए, तो हमने कुछ पैनल्स बिठाए। एक पैनल बिठाया था हमने उदय कोटक पैनल। अब ये जो उदय कोटक पैनल है, इन्होंने पहला रिकमेंडेशन दिया कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके यहाँ होंगे वहां पर पहले तो एक इंडिपेंडेंट वुमेन भी होनी चाहिए।
ये इंडिपेंडेंट वुमेन जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं वहां पर होना मैंडेटरी किया जाए बाय लॉ, ऐसा इनका पहला रिकमेंडेशन है। दूसरा इनका कहना है जितने भी आप डायरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हो यानी उनका अपॉइंटमेंट करते हो, तो ये जो अपॉइंटमेंट का मैकेनिज्म है ना, कौन इन्हें अपॉइंट कर रहा है, अपॉइंट करने के लिए जो आपने पहले बोर्ड बनाया वो उसमें कौन कौन लोग होंगे, उसके अंदर प्योरली ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये बातें इन्होंने कही। साथ साथ कई बार बातें निकलती है कि जो भी बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब आप फॉर्म कर रहे हो, वो थोड़ा डाइवर्स हो, वहां अलग अलग जेंडर के लोग हो, अलग अलग एथनिसिटी के लोग हो, अलग अलग एक्सपीरियंस वाले लोग हो, ताकि ऐसी डाइवर्सिटी एक्चुअल में आपको रियल टाइम एफिशिएंसी ला सकती है और कुछ इनोवेशन लाने में हेल्प कर सकती है उस ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद हम कह सकते हैं कि कई बार क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की गलतियां या अपने इंटरेस्ट में काम करना पूरी कंपनी को रिस्क में ला देता है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को लेकर एक अच्छी पॉलिसी का होना हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है। और ये जो बोर्ड मेंबर्स काम कर रहे हैं इनका भी तो परफॉर्मेंस चेक करना चाहिए, ये लोग तो बाकियों का परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, इन बोर्ड मेंबर्स का भी परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम पीरियोडिकली हमें इवेल्युएट करना चाहिए। और क्योंकि एक कंपनी जो रन हो रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स नहीं है, इन्वेस्टर्स के साथ एम्प्लॉयज हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो रोज उस मीटिंग में तो आते नहीं है, सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में अगर ठीक से कम्युनिकेशन होगा तो वो रियल टाइम में हम कह सकते हैं कि गवर्नेंस को आगे की लेवल पर लेके जाएगा। और इसलिए एंड में जो हमने कहा कि रिवाइज किए गए हैं प्रिंसिपल्स को, तो जिन प्रिंसिपल्स पर G20 एंड में पहुंचा है वो है ये प्रिंसिपल्स। एक है इंटीग्रिटी, ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रिटी का होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, रिलायंस होना चाहिए, आप ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा। लीगल कंप्लायंस, जो भी लॉ उस कंट्री में है वहां की कॉरपोरेट सेक्टर को उस लॉ के साथ कंप्लाई करना चाहिए हर लीगल प्रोविजन के साथ। इक्विटी होनी चाहिए स्टेक होल्डर्स को लेकर, ऐसा नहीं कि आपने कुछ शेयर होल्डर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया, उनकी बातें सुनी बाकियों की नहीं सुनी, ये नहीं होना चाहिए। फिर इंडिपेंडेंस रहना चाहिए, जो भी लोग काम कर रहे हैं स्पेसिफिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो बात हो रही है, उन्होंने इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए, किसी के प्रेशर के अंडर नहीं काम करना चाहिए। और सिक्योरिटी इंश्योर करनी चाहिए, कुछ डेटा अगर वो पब्लिकली डिस्क्लोज करने की एक्चुअल में जरूरत नहीं है, पब्लिकली डिस्क्लोज करना वो गलत जा सकता है, तो ऐसे इंफॉर्मेशन को जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, किसी के बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह हो, तो ये तो डिस्क्लोज नहीं होने चाहिए, ये लीक भी नहीं होने चाहिए, तो ऐसे डेटा को सिक्योर करने के लिए भी मैकेनिज्म रहनी चाहिए। सो इन प्रिंसिपल्स पर पहुंचा है G20। दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज, बाकी अपडेट्स के लिए We'll see the next videos. Thank you.